हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आप एंगुलर सीखने जाते हैं, एंगुलर सीखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या आना चाहिए और उसका सोल्यूशन भी हमने बताया कि कैसे वो सब सीख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अब एंगुलर आप सीखने जा रहे हैं तो एंगुलर के बारे में पहले समझ जाइए, एंगुलर कोडिंग करने से पहले, कि एंगुलर के मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं, क्या क्या आपको जानना होगा, कौन कौन ऐसा कंसेप्ट है जिनके बिना हम एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, मतलब मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा कि एंगुलर के बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। ये दोनों वीडियो समझने के बाद आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंगुलर में काम कैसे करते हैं, कौन कौन सा चीज होता है। उसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि एंगुलर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, एंगुलर में काम करने के लिए अपना लैपटॉप कैसे रेडी करते हैं, मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे रेडी करते हैं। मतलब हमारा टारगेट ये है कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊं। मैं आपको इंस्टॉलेशन वगैरह भी बिल्कुल ही लाइव दिखाऊंगा, बिल्कुल ही यहीं पर करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको बोल दूंगा कि आप ऐसे कर लो, ठीक है। मैं बिल्कुल डाउनलोड करूंगा आपके सामने, इंस्टॉल करूंगा, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे व्यूवर को ये दिक्कत आता है कि हम कैसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन में उनको दिक्कत आता है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से इंस्टॉल कर लेंगे। अगला जो मैं इसके बाद जो आर्किटेक्चर का बनाऊंगा, आर्किटेक्चर के बाद जो वीडियो दूंगा आपको इंस्टॉलेशन का, उस वीडियो में सब कुछ सिखा दूंगा। तो अच्छा, चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप एंगुलर एप्लीकेशन डेवलप करने जाते हैं तो मेन बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन से हैं, मतलब ये कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंगुलर एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आता है आपका मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स, टेम्पलेट्स, मेटा डेटा, डेटा बाइंडिंग, सर्विसेज, डायरेक्टिव्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये वो मॉड्यूल्स हैं, वो ब्लॉक्स हैं जिसके बिना आप एंगुलर का एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखने में तो आपको एक एक वर्ड दिख रहा है, लेकिन ये सारे अपने आप में एक एक चैप्टर्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल का भी एक अपना चैप्टर होता है, बहुत ही डीपली हमें इसमें जानना होगा। कंपोनेंट्स हुआ, टेम्पलेट, मेटा डेटा, डेटा बाइंडिंग, सब अपने आप में बहुत ही बड़े कंसेप्ट हैं और ये एंगुलर एप्लीकेशन के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं। इस वीडियो में इन सब के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाऊंगा कि मॉड्यूल क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, टेम्पलेट्स क्या होता है। कोई चैप्टर हम अभी स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं, इनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझाऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपका कंसेप्ट और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जब आप इन सारे चैप्टर को पढ़ने जाएंगे, जब मैं अगले वीडियो आने वाले वीडियोज में सब चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो आप लोग का ये आज वाला क्लास, आज वाला वीडियो आपको याद आएगा, तो आपका कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर रहेगा, समझने में आसानी होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एक एक मिनट अच्छे से समझिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे वीडियो पर अपना इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अगर आज आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा, कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये वीडियो याद रहेगा, तो आप वहाँ पर और भी अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले हम बात करते हैं मॉड्यूल के बारे में। और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल अगर आप मॉड्यूल की बात करें तो ये एक तरीके से क्लास होता है और इस क्लास के ऊपर एक एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर लगा रहता है जो इस क्लास को डेकोरेट कर रहा होता है, जो इस क्लास को मॉड्यूल बनाता है, ठीक है। एवरी एंगुलर एप्लीकेशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन मॉड्यूल। कोई भी अगर आपका एप्लीकेशन हो एंगुलर का, तो उसमें एटलीस्ट एक मॉड्यूल का फाइल होना जरूरी है। अगले वीडियो में आप लोग को कोडिंग के अंदर इस मॉड्यूल को दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग को इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं सिखाया है, मैं पहले से क्रिएटेड प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये मॉड्यूल है। जितना भी चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, कंपोनेंट वगैरह, मेटा डेटा, टेम्पलेट, सब कुछ अगले वीडियो में, आर्किटेक्चर वाले वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा भी कि ये देखिए कंपोनेंट है, ये मॉड्यूल है, ठीक है। यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हर एप्लीकेशन में एटलीस्ट एक मॉड्यूल का फाइल होना चाहिए। इफ एंगुलर एप्लीकेशन कंटेन्स ओनली वन मॉड्यूल, अगर एक ही मॉड्यूल है तो उसको हम रूट मॉड्यूल बोलते हैं। आप कोई एंगुलर का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो देखेंगे कि अपने आप वहाँ पर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल क्रिएट होकर आता है, डेट इज द रूट मॉड्यूल। एटलीस्ट एक मॉड्यूल होना चाहिए। आप अपने एप्लीकेशन में बहुत सारा मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम फीचर मॉड्यूल बोलते हैं। जब मैं फीचर मॉड्यूल क्लास दूंगा, आप लोग को वीडियो दूंगा, तो वहाँ पर फीचर मॉड्यूल के बारे में भी समझाऊंगा, लेजी लोडिंग वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ डीपली, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि एनजी मॉड्यूल
एक तरीके से क्लास है जिसके पास अपना कुछ मेटा डेटा होता है, जिसमें डिक्लेरेशन आता है, इंपोर्ट आता है, एक्सपोर्ट आता है, प्रोवाइडर आता है। ठीक है, ये क्या है अगले वीडियो में आर्किटेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किसके अंदर क्या रख सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया कि हर एप्लीकेशन में एक मॉड्यूल का होना जरूरी है, तभी इसको हम मेन बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। अगला है हमारा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात करें तो कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट भी एक क्लास है। द कंपोनेंट इज क्लास विद द टेम्पलेट दैट डील विद द व्यू ऑफ एप्लीकेशन एंड इट कंटेनिंग द कोड लॉजिक फॉर द पेज। ठीक है, देखिए कंपोनेंट भी एक क्लास है, जिस तरीके से एंगुलर में मॉड्यूल एक क्लास, देखिए जो भी एंगुलर में आप क्रिएट करेंगे सब क्लास होते हैं, उसके ऊपर जो डेकोरेटर लगा होता है वही डेकोरेट करता है कि ये क्लास क्या है। जिस तरीके से एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर एनजी मॉड्यूल के अंदर जो क्लास होता है उसको मॉड्यूल बनाता है, उसी तरीके से जब कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर चार फाइल क्रिएट होता है। जब कंपोनेंट क्रिएट करना सिखाऊंगा कमांड के थ्रू, एनजी जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम देकर, तो चार फाइल क्रिएट होता है। एक टीएस का फाइल क्रिएट होता है जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं, और उसमें एक एचटीएमएल का फाइल क्रिएट होता है जिसे हम टेम्पलेट बोलते हैं, उस कंपोनेंट का अपना टेम्पलेट जहाँ पर उस कंपोनेंट का डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस कंपोनेंट में एक सी एस एस का फाइल क्रिएट होगा, ठीक है, जहाँ पर उसका सी एस एस देखते हैं, और एक एस्पेक्ट डॉट टी एस फाइल क्रिएट होता है जिसे हम टेस्टिंग का फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट जो टी एस फाइल क्रिएट होगा तो उसमें भी एक क्लास रहेगा, और उस क्लास के ऊपर एक एट द रेट कंपोनेंट डेकोरेटर लगा रहेगा, उसमें कुछ मेटा डेटा रहेंगे जैसे सेलेक्टर हो जाएगा, टेम्पलेट हो गया। ठीक है, उन सब के बारे में भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो वही डेकोरेटर उस क्लास को कंपोनेंट बना देता है। कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों कंपोनेंट एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, सब कुछ डीपली हम कंपोनेंट के चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपको समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर डीपली नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डीपली हम चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला चीज़ है टेम्पलेट। जो अभी मैंने बताया कि हर कंपोनेंट का अपना एक एचटीएमएल का फाइल होता है, उसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, मतलब उस कंपोनेंट का एचटीएमएल का फाइल जहां पर उस कंपोनेंट का डिजाइनिंग करते हैं। जब वो कंपोनेंट लोड होता है तो यही टेम्पलेट फाइल आपके ब्राउजर में जाके दिखता है, और जो टीएस फाइल होता है जिसे हम कंपोनेंट बोल रहे हैं वहां पर इस एचटीएमएल से रिलेटेड लॉजिक लिखते हैं। जैसे यहां पर कोई बटन है तो उस बटन पर क्लिक करेंगे तो कोई फंक्शन फायर करना है, तो फंक्शन कहाँ रहेगा, टीएस फाइल पर रहेगा। तो टीएस फाइल वाले फाइल पर हम क्या कहते हैं, टाइप स्क्रिप्ट में लॉजिक बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, और टेम्पलेट वाले फाइल पर जिसे हम एचटीएमएल का फाइल बोल रहे हैं वहां पर इसका डिजाइनिंग एचटीएमएल का कोड लिखते हैं। सब कुछ करना हम सीखेंगे। अगला चीज है सर्विस। ठीक है, अब सर्विस क्या है, देखिए सर्विस किसी भी टेक्नोलॉजी में किसी भी एप्लीकेशन के लिए बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसी तरीके से एंगुलर में भी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विस भी एक तरीके से क्लास है जिसे हम कोड को रीयूज करने के लिए यूज करते हैं, ये हमें रिजुलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है जिसे हमें बहुत सारे जगह यूज करना है, बहुत सारे पेजेज बहुत सारे कंपोनेंट यूज करना है, तो दो अप्रोच हो सकता है, या तो मैं उस सर्विस को अपने सारे पेजेस पर लिखूं, उस फंक्शनैलिटी को मैं अपने सारे पेजेस पर लिखूं, ठीक है, सर्विस को नहीं उस फंक्शनैलिटी को जिसको मैं यूज करना है, तो क्या होगा, डुप्लीकेट कोड हो जाएगा उतने सारे जगह। अगर कोई फर्दर चेंज आता है तो सारे जगह हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर वही फंक्शनैलिटी मैं किसी सर्विस के अंदर रख लेता हूँ तो बेनिफिट ये होगा कि कोड हमारा डुप्लीकेट नहीं होगा, एक ही जगह कोड होगा, और कुछ चेंज भी आया तो मैं केवल जाकर सर्विस में चेंज करूंगा और सारे जगह अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये बेनिफिट हमें मिल जाएगा अगर हम सर्विस बनाते हैं। इसीलिए एंगुलर के अंदर सर्विस के अंदर ही हम एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं, ताकि फर्दर कभी एपीआई में कोई चेंज आया उसके यूआरएल में तो हम क्या करेंगे कि सर्विस में चेंज करेंगे, और उस सर्विस को जहाँ जहाँ हमने यूज किया अपने आप सारे जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देखिए सर्विस को लेकर एंगुलर 6 में बहुत ही मेजर चेंज आया था। ठीक है, जब सर्विस का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो बहुत ही डीपली दो पार्ट में कैटेगराइज करके आपको पढ़ाएंगे। पहले हम बताएंगे कि एंगुलर में सर्विस कैसे यूज होता था, एंगुलर 6 में क्या प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, अब कैसे यूज होता है, सब कुछ डीपली देखने वाले हैं। बने रहिए इस सीरीज में, इस वीडियो को बिल्कुल ही डीपली और एक एक मिनट बिना स्किप किए देखिए। चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए,
और बेल के आइकन को दबाइए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। और सर्विस के बारे में और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट लेवल का, कॉर्पोरेट लेवल का डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं, बिल्कुल ही इंटरनल, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जाकर विजिट करिए सर, और सिलेबस देखिए, इंक्वायरी करिए और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा लाइव क्लास स्टार्ट होते रहता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगला क्या है बिल्डिंग ब्लॉक में, डायरेक्टिव। देखिए, डायरेक्टिव जो है एंगुलर का एक किलर फीचर है। किलर फीचर कहने का मतलब कि डायरेक्टिव हमारे HTML को डायनेमिक करता है। डायरेक्टिव अगर आपसे पूछता है कोई, तो आप बोलेंगे कि डायरेक्टिव क्या करता है कि हमारे डॉम के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को चेंज कर देता है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज करता है, जैसे मान लीजिए आपको लूप चलाना है, तो डायरेक्टली आप HTML पर लूप चला सकते हैं। अगर लूप चलेगा तो कोई डेटा बाइंड होता है, तो स्ट्रक्चर को चेंज करता है डॉम के। इफ इज कंडीशन लगाकर आप किसी डिव को हाइड एंड शो करते हैं, तो वहां पर भी डॉम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो ये डॉम का स्ट्रक्चर को चेंज करता है, जिसमें तीन तरह का डायरेक्टिव होता है, कंपोनेंट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव। डायरेक्टिव के चैप्टर में मैं आप लोग को बिल्कुल ही डीपली इसको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये हम अभी इस वीडियो में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगला है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। देखिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, जब आप सर्विस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। दो टर्म में बना हुआ है, एक होता है डिपेंडेंसी और एक होता है इंजेक्शन। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन दो टर्म में बनता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जैसे मान लीजिए कि एक दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, ए के पास ऐसा फंक्शनैलिटी है जो बी यूज करना चाह रहा है, मतलब कि बी तभी अपना काम कर पाएगा जब तक, जब उसको ए मिलेगा, तो एक क्या हो गया, बी के लिए डिपेंडेंसी हो गया। उसी तरीके से सर्विस के अंदर फंक्शनैलिटी होता है, तो सर्विस हमेशा डिपेंडेंसी होता है। कंपोनेंट को कोई अपना वर्क परफॉर्म करना है तो उसको सर्विस वो मिलना चाहिए जिसके अंदर फंक्शनैलिटी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर्विस एक डिपेंडेंसी होता है, और जब उस सर्विस को आप किसी कंपोनेंट पर यूज कर लेते हैं तो हो गया इंजेक्शन। दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। जब मैं आप लोगों को सर्विस पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिटेली आपको बताने वाला हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे यूज करते हैं, और इसके लिए हम कैसे प्रोवाइडर ऐड करते हैं, प्रोवाइडर का क्या रोल होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, सब कुछ हम आगे देखने वाले। तो अभी आप लोगों ने देखा सारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, कौन कौन से मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और उसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने देखा। इन सब के बारे में मैं डिटेली आपको चैप्टर वाइज आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको हम बताएंगे कि बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है, जिसमें मैं कोड लेवल पर भी आपको दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, कि कंपोनेंट किसको बोलते हैं और मॉड्यूल किसको बोलते हैं। तो अगला वीडियो और भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।